आज की इस वाला वीडियो में आपको टॉप 5 गेम ऐसे बताने वाला जो कि माइनक्राफ्ट से मिलता जुलता है। तू समझा? हाँ। इसको मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना के रखे जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है। बट उससे पहले जो लोग मेरे एसएमपी में खेलते हैं, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरा एसएमपी नहीं चल रहा। हम करते हैं प्रबंध। देखो यार, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मेन जगह से ही बंद है एसएमपी, तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने बात किया है, वो लोग बोला कि हाँ दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा रुको, दूसरे गेम भी देखो या तो मेरे गेमिंग वाला वीडियो ही देख लो, थोड़ा टाइम पास कर लो यार। तो गाइस बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ को। बट उससे पहले मेरा नाम है रोहित, आप लोग देख रहे हैं गेमिंग लेगेसी। अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब करके जाओ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, क्योंकि 12,000 लोंडो ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है। तो आप कौन से खेत की मूली हो, आप भी कर दो और गाइस जुड़ जाओ लाइक जी आर्मी में। मगर क्यों? क्योंकि इस साल के एंड तक मेरे को 50,000 कंप्लीट करना है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। बस इतना कहना था, सब्सक्राइब कर देना। चलो पहले वाले गेम की तरफ को। इसका इंटरफेस और स्टार्टिंग पूरा माइनक्राफ्ट जैसा ही था। स्टार्टिंग में जो आपको साइन इन का इंटरफेस देखता है वो भी देखने को मिला, बट वो ब्लैंक था। अब मेरे को ये देख के लगा कि शायद गेम क्रैश हो गया, बट नहीं, लिटरली गाइस भाई पूरा माइनक्राफ्ट था ये वाला। तो फटाक से मैंने अपना सेटिंग किया, लाइक स्प्लिट कंट्रोलर थोड़े बटन बड़े कर लिए और एक वर्ल्ड क्रिएट करके सड़क से उसके अंदर घुस गया। गेम में घुसते मेरे को लगा कि भाई मैं माइनक्राफ्ट ही खेल रहा हूँ, बट अलग टेक्सचर पैक लगा के और एक कस्टम एचयूडी एड ऑन लगा के। लिटरली भाई क्या बोलू मैं, अगर तुम लोगों को माइनक्राफ्ट के बारे में पता है ऑब्वियसली पता ही होगा। सो भाई पूरा माइनक्राफ्ट ही थोप रखा है यहाँ पर और सब कुछ प्रॉपर वर्क करता है। जो जो माइनक्राफ्ट के अंदर आप लोग कर सकते हो सब कुछ इसके अंदर कर सकते हो। बस एक ही प्रॉब्लम है, ये वाला लेटेस्ट वाले वर्जन में नहीं है। और गाइस इस गेम का नाम है वर्ल्ड सर्वाइवल। तो इस गेम का वर्जन कुछ अलग है, लेकिन मेरे को पता लग रहा था कि ये माइनक्राफ्ट कौन से वर्जन के ऊपर बेस है। तो फटक से मैंने अपना इन्वेंटरी खोला और मेरे को दिखा कैप्शन क्लिप का अपडेट वाला, जो अपने को पौधा वौधा मिलता है, मॉस ब्लॉक, उसके बाद ये फूल वगैरह सब कुछ वही सब था। तो मेरे को लगा हाँ ये शायद 1.17 वर्जन में ही बेस है, जो कि मेरे को लग रहा था। बट इसके अंदर एक और दिक्कत है, आप लोग गेम खेलते खेलते कब आप लोग एक्सपर्ट खेलने लगोगे को पता नहीं चलेगा, क्योंकि यार इसमें ऐड जाता है जो कि फ्री गेम के लिए ठीक है, बट जो उस टाइम उस गेम को खेलता है ना उसके बारे में तो भाई तुम लोग उनसे जाके पूछो, कमेंट में बता देना जब तुम लोग कोई गेम खेलते हो फटक से ऐसे ऐड आ जाए तो तुमको कैसा लगता है। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मन करता है साला इस गेम को अनइंस्टॉल कर दूं, लेकिन नहीं, तुम लोग इसको नेट ऑफ करके खेलोगे तो तुमको ऐड वगैरह देखने को शायद नहीं मिलेगा। तो गाइस यही था अपना सबसे पहला वाला गेम, अभी बढ़ते अपने दूसरे वाले गेम की तरफ को। तो गाइस सेकंड वाले गेम का नाम है वर्ल्ड क्राफ्ट बिल्डिंग। गेम का लोडिंग स्क्रीन मेरे को अच्छा लगा, कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, बट नहीं, लोडिंग होते ही फट से मेरे को गेम के अंदर घुसा दिया। मैंने पहले थोड़ा तेरा रुको, पहले स्टार्ट वर्ड करने दो, सेटिंग वगैरह करने दो, लेकिन नहीं, इसमें तो अलग ही चक्कर है। मतलब इस गेम ने बस माइनक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट लिया है ब्लॉक, बाकी ये गेम कुछ अलग ही लेवल पे चलता है भाई। मतलब आप लोग एक जगह खड़े होके एक ट्री बना सकते हो और मैंने पहला इस गेम में ट्री बिल्ड किया। लिटरली भाई मैंने अपने सर्वाइवल सीरीज में मेडिकल हाउस बनाया, मेरे को ट्री बना के दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, झेल लेंगे थोड़ा सा। जब मेरे को नॉर्मली खेलने दिया, मेरे को लगा भाई ये सर्वाइवल गेम है, क्रिएटिव गेम है क्या है। फिर मेरे को बाद में पता चला कि हाँ इसमें अपन क्रिएटिव ही खेल सकते हैं शायद, और मेरे को नहीं पता, आप लोग खेल के बताना कि इसमें सर्वाइवल होता है कि नहीं। तो पहले तो मेरे को लगा कि बंदा शायद दौड़ नहीं पाता, इतना मोटा बैग लेके रखा है। तो ऊपर मेरे को एक बिल्ड करके ऑप्शन दिख रहा था, उसमें मैंने क्लिक किया तो वहां पर गाइस आपको प्री बिल्ड घर मिल सकता था लाइक गेम के करेंसी दे के। मेरे को लगा भाई ये कैसा गेम है यार, सर्वाइवल गेम में भाई ये क्या चीज है। तो भाई इस गेम को थोड़ी देर खेलने के बाद मेरे को पता चला कि हाँ ये बंदा दौड़ भी सकता है और उड़ भी सकता है, लेकिन मजा नहीं आया। ये गेम गाइस बच्चों के लिए ठीक है, जो लोग मतलब माइनक्राफ्ट जैसा गेम खेलना चाहते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं ना, तो उनके लिए ये ठीक है। तो गाइस चलो फिलहाल बढ़ते हैं अपने थर्ड वाले गेम की तरफ को। गाइस अपने तीसरे गेम का नाम है मल्टीक्राफ्ट, और इसका नाम सुनते मेरे को लग रहा था कभी तो मैंने ये नाम सुना है। और जी हाँ गाइस, शायद मैंने किसी और वीडियो में इस गेम का जिक्र किया होगा, मेरे को भी याद नहीं, लेकिन मेरे को लगा ये नया गेम है। बट इस गेम में जब मैं अंदर गया मेरे को लग रहा था कि हाँ इसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी कर दिया है। मल्टीक्राफ्ट जैसे और भी बहुत सारे गेम है जो कि अलग अलग नाम से, बट कॉन्सेप्ट और बाकी सब कुछ सेम है। एक तो पहले कॉपी गेम है और कॉपी गेम को भी ये सब बहुत सारे कॉपी निकाल के रखे। तो गाइस इस गेम का पहला ग्राफिक्स और जो टेक्सचर है नॉर्मल सा ग्राफिक्स है, बट टेक्सचर है फिटफुल। इस गेम में आपको अच्छा एचयूडी मिलता है, बेटर देन माइनक्राफ्ट। जैसे आप लोग माइनक्राफ्ट में कैमरा स्विच करते हो आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आप लोग यहाँ पर एक क्लिक से कैमरा स्विच करते हो, जो कि मैं चाहूंगा कि मुझे पहले अपने पॉकेट एडिशन में भी इसको ऐड कर दे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है जो लोग यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं। और इस गेम के बारे में कहीं कहना भाई लोग यहाँ पर देख ही सकते हो भाई पूरा माइनक्राफ्ट जैसा ही है, बस इसके अंदर अलग सा आपको देखने को मिलता है जो कि इसका एचयूडी। तो ओवरऑल ये वाला गेम भी बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर आपने अभी तक नहीं खेला है मल्टीक्राफ्ट को जाके जरूर ट्राई करना, मेरे को तो अच्छा लगा। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे चौथे वाले गेम की तरफ को। पर गाइस उससे पहले अगर आपने इतने तक वीडियो देखा है इसके मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करता है नया वीडियो बनाने के लिए। और कुछ दिनों से मैं वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर पावर कट हो गया था
दिन के लिए मैंने कमेंट्री पोस्ट में डाल रखा था ऑलरेडी। कोई बात नहीं। तो बढ़ते हैं चौथे वाले गेम की तरफ को। तो गाइस चौथे वाले गेम का नाम है मल्टी ब्लॉक क्राफ्ट, बट मैं इस गेम का नाम देना चाहता हूँ एड क्राफ्ट। नहीं समझे क्यों? क्योंकि इस गेम को स्टार्ट करते सबसे पहले आपको ऐसा ओवरले एड देखने को मिलता है ऊपर के साइड। जब आपका गेम स्टार्ट हो जाता है तब आपको एड देखने को मिलता है, फिर जब प्ले करता हूँ तब आपको एक एड देखने को मिलता है, फिर जब एक वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ तब आपको एक एड देखने को मिलता है, जब गेम में चले जाता हूँ तब भी आपको एड ही देखने को मिलता है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मतलब भाई क्या कर रहे हो, ये तो गेम खिला लो या फिर एड दिखा लो। लग रहा है मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैं एड देख रहा हूँ बस। अगर मैं आपको गेम के बारे में बताऊँ तो एवरेज सा गेम था ये वाला। इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा अलग है माइनक्राफ्ट से, और फिटफुल लगा के नहीं दिया ये लोगों ने। और मल्टीक्राफ्ट ने एक वर्ल्ड प्रोवाइड किया था तो उसी वर्ल्ड में मैं घुसा था, और वहाँ पर एक बोर्ड भी था जो मेरे को अच्छा लगा दिखने में। इसका जो टेक्सचर है काइंड ऑफ अच्छा है, मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा लगा। थोड़ा सा ग्रासेस वगैरह थोड़े बहुत ज्यादा बड़े बड़े है, और हाँ जावा एडिशन जैसे इसके ग्रासेस है बहुत ज्यादा घने, जो कि जावा एडिशन में आप लोगों ने देखा होगा बेडरॉक में इतने ज्यादा ग्रासेस नहीं होते, बट इस वाले गेम में है। सो ये वाला अच्छा लगा मेरे को। और हाँ ओवरऑल गेम माइनक्राफ्ट जैसा ही है, लाइक आप लोग इसमें सर्वाइवल क्रिएटिव दोनों खेल सकते हो, बट आपको इंटरनेट बंद करके खेलना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग ऐड देखते देखते मर जाओगे। तो ओवरऑल ये वाला गेम भी अच्छा है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो गाइस अपना लास्ट वाला गेम मस्त होने वाला है, उसके लिए आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दो। कर दिया लाइक, अभी चलो बढ़ते आज के लास्ट वाले गेम की तरफ को। तो गाइस अपना जो लास्ट वाला गेम है उसका नाम है मास्टर ब्लॉक क्राफ्ट। अभी जो मैंने आपको तीसरे नंबर पर जो गेम बताया था ना मल्टी क्राफ्ट, उसका ये चचेरा भाई है लिटरली। मतलब सब कुछ सेम है, बस थीम इसका थोड़ा सा येलो कलर का है एचयूडी। इस गेम का खासियत यही है कि इसके अंदर प्री बिल्ड मॉड इंस्टॉल होकर आते हैं, ताकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पानी के अंदर सांप है, जो कि आपको डिफॉल्ट माइंड में देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसको आप लोग मॉड की मदद से ऐड कर सकते हो, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी ऐड हो रखा है। इसके इन्वेंटरी में आप लोग देख सकते हो बहुत अलग अलग चीजें हैं, लाइक गेमिंग चेयर भाई, गेमिंग चेयर भी यार मेरे को लेना है। तो ओवरऑल वाला गेम भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो गाइस यही था आज के वाला वीडियो में, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया। और अगर आपने ये सब गेम नहीं खेला है तो फटाफट इसको अगर ट्राई करो, और खेल के कैसा लगा बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस अगर आप लोग इस वाले वीडियो पर 1K लाइक करते हो तो नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको तीन ऐसे गेम बताऊंगा जो कि एकदम लिटरली माइनक्राफ्ट जैसे है, जो कि आप लोग माइनक्राफ्ट के रिप्लेस में खेल सकते हो आराम से। तो गाइस मैं भी जा रहा हूं, मेरे को अगले वीडियो का रिकॉर्डिंग करना है। बाय। कमेंट में मत लिखना क्रिमिनाटी का। Thank you.